लिंक्डइन जैसी कंपनी के लिए अगर रिज्यूमे से स्टैंड आउट करना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन करना मत भूलना, बिकॉज वो अपनी ईगो पे ले जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिज्यूमे पे लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो दैट इफेक्ट्स थे। मैंने लोगों से बात करी, एचआर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं बिकॉज उनके पास सारा डेटा होता है। सो लिंक्डइन जैसी कंपनी के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो एचआर तुम्हें खुद कॉन्टैक्ट करेंगे ऑफ कैंपस के ना, और अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है उसके टेक्निकल राउंड में सिस्टम डिजाइन पूछा जा सकता है ना, और कोई फुल टाइम के लिए जा रहा है तो उसके केस में भी सिस्टम डिजाइन पूछा गया है। सो एचआर के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो थोड़ा सा उसकी तैयारी कर लेना, होता है इसमें एचआर राउंड और इंपॉर्टेंट होता है। हाय, मायसेल्फ आरिक हियर। सर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं अ कंप्लीट स्ट्रेटेजी गाइड फॉर बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट लिंक्डइन। सो लिंक्डइन एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी है, आई थिंक मोस्टली हम लोग यूज करते ही हैं डेली लिंक्डइन को, एंड अगर हमें लिंक्डइन जैसी कंपनी में जॉब मिल रही है सो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है ना। बेसिकली अमेजिंग वर्क कल्चर है वहाँ का, पैसे भी मस्त देती है, सो बेसिकली क्यों मिस करना है। अब अगर हमें लिंक्डइन जैसी कंपनी निकालनी है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, रिज्यूमे में क्या ध्यान रखना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, और इंटरव्यूज वगैरह कैसे होते हैं, फर्स्ट राउंड में क्या होता है, सेकंड राउंड में क्या होता है, ओवरऑल इस क्लैरिटी के बारे में बताने वाला हूँ। ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, इंटर्नशिप के लिए, फुल टाइम के लिए, एक्सपीरियंस लोगों के लिए कैसे कैसे क्या होता है, ओवरऑल इस प्रोसेस को डिस्कस करने वाला हूँ। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसी वीडियोज मैंने और कंपनीज के लिए भी बना रखी है, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, गोल्डमैन सैक्स, उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में होगा। और मैं ये किस बेसिस पे बताता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यार मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखता हूँ लोगों के, है ना, जिनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, प्लस मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गए हुए हैं उनसे बात करके आई कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड पुट फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू, है ना। बेसिकली फिर मैं तुम्हें उसके कॉरस्पॉन्डिंग सब कुछ बता देता हूँ कि भाई ये है प्रिपरेशन टिप्स, ये है रिज्यूमे टिप्स, ये है एप्लीकेशन प्रोसेस, और ये है तुम्हारा इंटरव्यू राउंड ऐसे चलता है, जैसे कि तुम लोगों को अगर रेडी होना है लिंक्डइन जैसी कंपनी निकालने के लिए तो तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, ठीक है। तो इन चारों चीजों के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स की, है ना। प्रिपरेशन टिप्स देखो, लिंक्डइन में मैं वैसे ही बता रहा हूँ, दो टाइप के रोल होते हैं जनरली, एक होता है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर और एक होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर में थोड़ा सा AI ML वगैरह का काम होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जनरली एक जो नॉर्मल वेब डेवलपमेंट इस टाइप की चीजों पर काम होता है। तो ये दो टाइप की चीजें हैं जिसमें लिंक्डइन फोकस करती है, बट प्रोसेस बहुत सारा कॉमन ही है ना दोनों का। मैं बता दूंगा इंटरव्यू राउंड्स के टाइम की कैसे कैसे क्या होता है, बट प्रिपरेशन टिप्स में एक चीज जो दोनों के लिए कॉमन है विच इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, है ना, वो तो अच्छे से करना ही है, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बेसिकली साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, बहुत ज्यादा एडवांस वाले नहीं, सेगमेंट ट्री नहीं करना, नंबर थ्योरी नहीं करना, वो सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स नहीं करने, बट जो बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से जो पढ़ने ही होते हैं सबको, उनको अच्छे से करना है। वो राउंड्स में आता ही है, ट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वी कांट रन अवे फ्रॉम दैट, ये तो हमें अच्छे से करना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज ऊप्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट पे अच्छे से फोकस होता है, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो चाहे कोई राउंड हो, उसके अंदर बेसिकली MCQ क्वेश्चंस आते हैं और आगे चल के कुछ कुछ लो लेवल डिजाइन की प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती हैं, तो ऊप्स कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। OS DBMS बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स तुम्हारा साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वाले के इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और फर्स्ट राउंड में भी आता है, स्पेशली कंप्यूटर नेटवर्क्स के थोड़े हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो इस चीजों के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। प्रिपरेशन टिप्स में और क्या बोला लोगों ने और मेरे फ्रेंड्स ने, यार वो तो ठीक है कि DSA के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो टाइम टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट राउंड में थोड़ा स्पीड इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो 1.5 घंटे में हम अच्छे से टेस्ट दे पा रहे हैं, उसके लिए हमें टाइम टेस्ट वगैरह थोड़े देने पड़ेंगे। मॉक इंटरव्यूज दोगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल एज पर देम, बिकॉज उससे थोड़ा खुल जाता है आदमी और जवाब देना अच्छे से आ जाता है, सो मॉक इंटरव्यूज विल बी रियली हेल्पफुल। इसके अलावा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो तुम सॉल्यूशन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हो उस पर बहुत ज्यादा फोकस होता है लिंक्डइन के इंटरव्यू में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, विच इज ऑब्वियसली अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर रहे हो तो उसमें भी अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है, और खूब जम के प्रैक्टिस करो DSA की, ऊप्स की, DBMS की, कंप्यूटर नेटवर्क्स की, सब कुछ की अच्छे से प्रैक्टिस करो। हमारा पब्लिक प्लेटफॉर्म भी है कोड स्टूडियो, विच यू कैन चेकआउट, वहां पर इन सब चीजों के रिसोर्सेज हैं, फ्री में अवेलेबल है, अच्छे से प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे बनो टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है। नाउ दिस इज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन टिप्स, अब बात करते हैं रिज्यूमे टिप्स की।
आई थिंक रिज्यूमे टिप स्टैंडर्ड है, लाइक एक पेज का रिज्यूमे होना चाहिए, जो की फैक्टर है लाइक लिंक्डइन जैसी कंपनी के लिए। अगर रिज्यूमे से स्टैंड आउट करना है, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशन करना मत भूलना, बिकॉज वो अपनी ईगो पे ले जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिज्यूमे पे लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो दैट अफेक्ट्स देम, ठीक है। सो उसको मिस मत करना। बाकी स्टैंडर्ड है, टेक स्टैक अच्छे से लिखो, अगर तुम्हारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की रैंक्स है उनको मेंशन करो, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, 2 से 3 होंगे तो बहुत अच्छी बात है, 3 इज द मैक्सिमम, 1 से 2 हैं बट अच्छे हैं तो उनको अच्छे से मेंशन करो, लिंक्स मेंशन करो उन प्रोजेक्ट्स के, दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल, है ना। चाहे ऐप बनाई हो, चाहे वेबसाइट बनाई हो, चाहे मशीन लर्निंग पे कराओ, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हो अगर लिंक्स होंगे सो दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल ऑन योर रिज्यूमे, है ना। फालतू की चीजें मेंशन मत करना, बट लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर मेंशन कर देना, है ना। सो अपना ट्राई करो, एक लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी अपना मेंटेन कर रहे हो कि यार मैंने क्या क्या किया है, मेरे अचीवमेंट्स क्या हैं, ओवरऑल एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई हो तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो दैट कम्स टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो मैं उसमें बताऊंगा रिज्यूमे कितना इंपॉर्टेंट है। देखो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑन कैंपस होता है तो उसके अंदर CGPA वगैरह का बहुत ज्यादा चक्कर नहीं है, है ना, उतना ज्यादा नहीं होता। फर्स्ट राउंड में काफी लोगों को बैठने देते हैं, सो आई थिंक 6 एंड अबव भी सही होती है इसके लिए CGPA। ऑन कैंपस में बहुत ज्यादा चक्कर नहीं है। ऑफ कैंपस के लिए अगर तुम्हें बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो इंटरव्यू दिलवा सकता है वो लिंक्डइन ही है। मैंने लोगों से बात करी, HRs डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं बिकॉज उनके पास सारा डेटा होता है। सो लिंक्डइन जैसी कंपनी के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो HRs तुम्हें खुद कॉन्टैक्ट करेंगे ऑफ कैंपस के लिए। वन वे इज दैट, अदरवाइज तुम लोगों को ईमेल कर सकते हो, वो तो है ही, बट यहाँ पर क्या होता है अगर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है तो HRs खुद से कॉन्टैक्ट करने लग जाते हैं। तो मैंने जो ऑफ कैंपस लोगों के बारे में पढ़ा, चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे बेसिकली फुल टाइम हो, उन लोगों को बेसिकली HRs ने खुद कॉन्टैक्ट करा था बिकॉज उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी थी। तो मेक श्योर तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल सही हो, दैट विल रियली हेल्प। बाकी ऑफ कैंपस में बहुत ज्यादा CGPA पे नहीं फोकस था, है ना, बस शॉर्टलिस्ट होते हो आगे तो फिर इंटरव्यूज पे मैटर करता है, है ना। सो आई थिंक एप्लीकेशन प्रोसेस क्लियर हो गया हमें ऑन कैंपस ऑफ कैंपस का। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू राउंड्स कैसे होते हैं, है ना। देखो इंटरव्यू राउंड जैसे मैंने बात करी थी, एक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर होता है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूं तो उसके अंदर यार हैकर रैंक पे टेस्ट होता है, 3 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, 3 आते हैं, और बेसिकली MCQ क्वेश्चन आते हैं OOPS के, DBMS के, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक और OS के, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट राउंड होगा वहां पर तुम्हारा ये पूछा जाएगा, चाहे वो ऑफ कैंपस हो चाहे ऑन कैंपस हो, फर्स्ट राउंड तो होगा ही होगा और इन चीजों पे फोकस होगा, तो प्लीज इन चीजों को मिस मत करना। और अगर हम साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर की बात करें तो उसके अंदर जनरली क्या होता है कि 2 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, मीडियम लेवल के होंगे, बट कंप्यूटर नेटवर्क्स के MCQ ज्यादा आएंगे, है ना, DBMS के MCQ ज्यादा आएंगे बिकॉज उनका वर्क थोड़ा सा ज्यादा उसकी तरफ अलाइन होता है। OS के थोड़े कम आएंगे, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, OOPS कॉन्सेप्ट्स, इन सब चीजों के ज्यादा आते हैं साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर में। तो दोनों अच्छे रोल्स हैं, बट आई थिंक प्रिपरेशन में अगर तुम ये सब कुछ रेडी रख लोगे तो तुम दोनों रोल्स के लिए रेडी हो जाओगे, है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर्स, OS, DBMS, यही सब चीजें पूछी जा रही हैं, तो बहुत सही है, दैट वी कैन मेक श्योर इन अवर प्रिपरेशन। अब इंटर्नशिप में भी सेम ही होता है, इंटर्नशिप में भी यही सेम है, हैकर रैंक पे टेस्ट होता है, है ना। अगर हम SD इंटर्नशिप की बात करें तो जैसे हैकर रैंक पे 3 कोडिंग क्वेश्चन आए, OS, DBMS वगैरह के क्वेश्चन आए, तो वही सब होता है, सो नथिंग डिफर इन दैट। अब अगर हम इंटरव्यूज की बात करें, ठीक है, SD में देखो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, 2 या 3 हो सकते हैं, HR राउंड्स होते हैं, दैट इज देयर। और साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर में तुम्हारे ज्यादा राउंड्स नहीं होते, तुम्हारा एक टेक्निकल राउंड होगा और फिर एक HR राउंड होगा, ज्यादा राउंड्स नहीं होंगे। इंटर्नशिप में भी मैक्सिमम आगे 2 राउंड्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। अगर तुम्हारा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया तो आगे बस 2 टेक्निकल राउंड्स होंगे, किसी किसी में 1 भी होता है, सो इट डिपेंड्स, तो आगे ज्यादा राउंड्स नहीं होने वाले। और उन राउंड्स में क्या होता है, अगर मैं टेक्निकल राउंड्स की बात करूं, मोस्टली फोकस यही होता है कि पहले एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन होगा, तुम्हारे रिज्यूमे में देखा जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, 15 मिनट उस पर डिस्कस करा, फिर मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। चाहे वो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर हो, चाहे SD हो, चाहे इंटर्नशिप के लिए हो, ट्री के क्वेश्चन, लिंक्ड लिस्ट के क्वेश्चन, स्टैक्स एंड क्यूज के क्वेश्चन, एरेज के क्वेश्चन, स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है DSA के, बट मोस्टली DSA के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे टेक्निकल राउंड्स में, है ना। और अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है उसके टेक्निकल राउंड में सिस्टम डिजाइन पूछा जा सकता है, है ना। और कोई फुल टाइम के लिए जा रहा है तो उसके केस में भी सिस्टम डिजाइन पूछा गया है। मेरे एक फ्रेंड से क्या पूछा गया था कि यार एक Amazon की वेबसाइट है, मुझे बताओ उसके अंदर एवरेज रेटिंग कैसे आता है, राइट। एक Amazon की वेबसाइट है, उसके अंदर कैसे हो रहा था, पीछे पूरा बैकएंड कैसे बना होगा।
तो यू कैन बी आज सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम, सो बी रेडी फॉर दैट, है ना। थोड़ा सा अगर हम सोचना शुरू कर देंगे इन सब चीजों के भी अराउंड, तो दैट विल रियली हेल्प। तो फुल टाइम और बेसिकली एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए सिस्टम डिजाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द टेक्निकल राउंड। बाकी मोस्टली सबके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस ही आएंगे, है ना। बीच बीच में कुछ कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछ लिया, कोई डीबीएमएस का क्वेश्चन पूछ लिया, बट बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में इस पे फोकस नहीं था। मोस्टली डीएसए और सिस्टम डिजाइन ज्यादातर इस पे फोकस था, है ना। और जो एचआर राउंड होता है, इंटर्नशिप में ज्यादा एचआर राउंड नहीं हो रहे थे, और जो फुल टाइम है या बेसिकली एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए जो एचआर राउंड हो रहा है उसमें मोस्टली तुम्हारे एटीट्यूड को थोड़ा चेक कराया जाता है, और ये पूछा जाता है अगर तुम एक्सपीरियंस हो तो तुम क्यों चेंज कर रहे हो, राइट। यू शुड बी रेडी फॉर दीज आंसर्स कि मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, मेरे को क्यों लिंक्डइन पसंद आ रही है। तो थोड़ा सा अगर कंपनी के बारे में पढ़ के आओगे तो वहां बता पाओगे कि मुझे लिंक्डइन में क्या पसंद है, राइट। वो तुमसे पूछेंगे लोकेशन प्रेफरेंस, वो तुमसे पूछेंगे कि अगर तुम बैंगलोर आओगे तो काम कर लोगे ना, दिल्ली में अगर रहते हो, बेसिकली थिंग्स लाइक दैट। सो यू नीड टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग, है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो एचआर के क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो थोड़ा सा उसकी तैयारी कर लेना, होता है इसमें एचआर राउंड और इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि टेक्निकल भी हो गया और उसी के अंदर एचआर भी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा बेसिकली शुरू के पौना घंटा टाइप टेक्निकल चीज चेक कर ली, फिर लास्ट के 15 मिनट कुछ एचआर क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई क्यों चेंज कर रहे हो, ये सिचुएशन आई तो कैसे मैनेज करोगे, थोड़े से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, राइट। तो दीज थिंग्स कैन बी डन। ओवरऑल इंटरव्यू प्रोसेस सबका स्टैंडर्ड ये जैसे बाकी कंपनीज में होता है, इसमें बस ये है कि एचआर राउंड थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो बी रेडी फॉर दैट। बाकी ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया है, एप्लीकेशन प्रोसेस बता दी है, रिज्यूमे टिप्स बता दी हैं, प्रिपरेशन टिप्स बता दी हैं, और मैंने इंटरव्यू राउंड्स भी बता दिए कैसे चलता है। तो ओवरऑल आई थिंक यू शुड हैव द क्लैरिटी नाउ। प्लीज इस वीडियो को अपना नोट डाउन कर लेना पॉइंट्स, और अपनी तैयारी में इंक्लूड कर लेना अगर कोई भी पॉइंट मिस हो गया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसी वीडियोस मैंने और कंपनीज के लिए बना रखी हैं, गूगल हो गई, अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, तुम ही ने लिंक्डइन मांगी थी तो मैंने लिंक्डइन का भी ले आया हूँ, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस होंगे वो मैं लिंक में डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हमारा कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म है, वहां पर से तुम पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, डीएसए की, ऊप्स की, डीबीएमएस की, ओएस की, सब चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो एक्सप्लोर दैट प्लेटफॉर्म। कोई और तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो कि तुम्हें कोई वीडियो चाहिए, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि अब मुझे इस कंपनी का बता दो, या बेसिकली कोई मैंने कंपनी का ढंग से नहीं बताया हो तो प्लीज टेल मी ऑन दैट, मैं उसको थोड़ा सा और ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। मैं कोई पॉइंट मिस करता हूँ इन कंपनीज के कॉरस्पॉन्डिंग तो वो मुझे बताओ, आई विल बी रेडी टू हैंडल दैट इन द नेक्स्ट वीडियोस। और लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तुम्हारे कोई जूनियर है उनके साथ शेयर करो, एंड स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, एंड होपफुली यू हैव सब्सक्राइब द चैनल अप टिल नाउ, नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो गुड लक।